हाँ सर, हाँ तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सेल की चौथी वीवी की चौथी क्लास है, और चौथी क्लास में हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में। हमने कल बताया कि रिकॉर्डिंग मैक्रो को आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको एडिट करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो आखिर मैक्रो है कितने प्रकार के, और इस प्रकार इस टाइप को जब समझ जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगी अपने मैक्रो को, जो आपका जो मैक्रो है उस मैक्रो को अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कैसे यूटिलाइज करें, ये आपको इस पे हेल्प मिलेगी। तो मैक्रो टाइप में सबसे पहला आता है पब्लिक मैक्रो, पब्लिक मैक्रो। पब्लिक मैक्रो जो जनरली हम जो रिकॉर्ड करते हैं या जो हम जाके कोड करते हैं, सब लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, वो पब्लिक मैक्रोज कहलाता है। क्यों कहलाता है पब्लिक मैक्रो? क्योंकि उसकी जो कोडिंग है, जो हम एडिट करते हैं, जो कोड आपको दिखता है यहाँ पे, ये जो कोड है, ये कोड कहाँ सेव हो रहा है? इस बुक थ्री की प्रॉपर्टी में सेव हो रहा है। मतलब अगर ये बुक थ्री मैं आपको भेजूं या किसी और को भेजूं तो सारे लोग इस मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोडिंग को मैं लॉक नहीं किया तो हर कोई कोड को भी एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए इसको पब्लिक कहा जाता है। साथ में अगर कोई दूसरा फाइल ओपन है तो इस मैक्रो को हम किसी और फाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कंट्रोल एन किया, एक नई एक्सेल फाइल ली, उसमें अगर जाते हैं मैक्रोज में तो ये मैक्रोज मुझे उस नई फाइल पे भी इस्तेमाल होगा। तो पब्लिक मैक्रो की खासियत क्या है कि ये फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होती है, जहां जहां फाइल जाता है वहां वहां ये फाइल मैक्रोज भी जाता है, और जो इस फाइल को एक्सेस कर सकता है वो आपका मैक्रो भी एक्सेस कर सकता है। अब इसका फॉल्स पॉइंट क्या है? फॉल्स पॉइंट ये है कि किसी दूसरे फाइल में इसको हम तभी रन कर सकते हैं जब जिस फाइल में मेरा मैक्रो बना है वो ओपन हो। हमने इसको बुक थ्री में किया, तो अगर मैं बुक थ्री मेरा ओपन है तो बुक थ्री में मेरे माइक्रो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखे। बुक थ्री का माइक्रो किसी और में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। मतलब कि अगर आपने माइक्रो बनाया फाइल वन में, और फाइल टू में आप तभी रन कर सकते हैं जब आपका फाइल वन ओपन हो। तो अब इसमें हरिओम जी समझने वाली बात यह है कि इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है। हमने बताया कि पब्लिक मैक्रोज पब्लिकली हर जगह पे ट्रेवल करती है, हर कोई फाइल के साथ उसकी मैक्रो को एक्सेस कर सकता है, दूसरे फाइलों में रन हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस मैक्रो को आप दूसरे फाइल में एक्सेस करना चाहते हैं, जिस फाइल में वो कोडिंग हुई है वो फाइल ओपन होना चाहिए। मतलब कि फाइल वन में आपने किसी तरह की एक मैक्रो बनाई, फाइल टू पे रन करना है तो फाइल वन ओपन होना चाहिए। अगर फाइल वन को आपने क्लोज कर दिया तो फिर फाइल टू पे वो माइक्रो नहीं दिखेगा। तो इसमें करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है? हर मतलब हर जगह दिखना चाहिए मैक्रो, मतलब हर एक फाइल, हाँ, हर एक लेकिन बुक में जो भी ओपन करते वो हैं चाहिए नया होगा, तो वाला। प्रॉब्लम क्या होगा उससे? देखिए, समझिए माइक्रो की यूटिलाइजेशन को समझिए। हम माइक्रो दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक इन्वर्सल मैक्रो, इन्वर्सल मैक्रो मतलब हो गया कि हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, जैसे रिमूव डुप्लीकेट, राइट? आपने एक मैक्रो बनाया डुप्लीकेट को रिमूव करने का, तो ये इन्वर्सल मैक्रो हो गया कि भाई किसी जगह पे मुझे डुप्लीकेट मिलेगा, वहां सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। आपने एक मैक्रो बनाया कि एक फोल्डर में जितनी फाइल होंगे सारे फाइल को डेटा को एक के नीचे लोड कर देगा, किसी भी फाइल में और किसी भी फोल्डर का डेटा। ये इन्वर्सल हो गया। हो गया मतलब कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाया, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाया, समझे? लेकिन माइक्रो का दूसरा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर वर्क का एक ऑटोमेशन तैयार किया। जैसे कि आपने एक डैशबोर्ड तैयार किया,
वह डेटा को सेलेक्ट कर लोड करते ही उस डैशबोर्ड में जहां जहां इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है ऑटोमेटिक बना के वहां वहां फिल कर देगा। या फिर आपने एक मैक्रो बनाया कि सैलरी ऑटोमेशन सीट है, हम चाहते हैं कि जितने भी सैलरी स्लिप है सब सारे एम्प्लॉय को मेल चले जाए। तो पहले मेरा सैलरी वाली फाइल ओपन होगी, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप बनेगी और फिर मेल हो जाएगी। तो ये जो मैक्रो है क्या लगता है हर जगह पर रन होने वाली बात है, एक स्पेसिफिक फाइल पे रन होगी ना, हाँ करेक्ट क्या मोशन जी? जी। एक पर्टिकुलर फाइल पे ही रन होगी। तो दो तरह की चीजें, जो एक पर्टिकुलर फाइल पर रन होगी उसकी कोडिंग भी पर्टिकुलर फाइल में ही होगी, वो तो ग्लोबल नहीं हो सकती, ठीक है? जैसे आपने एक एक फॉर्म बनाया कि भाई फॉर्म में जाके डेटा एंट्री करके सबमिट करेगा तो डेटा स्टोर हो जाएगा, तो एक तो पर्टिकुलर फाइल में ही होगी ना सर, अब किसी फाइल को ओपन करके थोड़ी डेटा एंट्री कर दीजिएगा, ठीक है? तो इसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पहले वाले के लिए ग्लोबल मैक्रो के लिए। जैसे कि मुझे पिवट टेबल जैसा एक मैक्रो चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास क्या होता है कि एक डेटा पे पिवट टेबल, माने पिवट टेबल बनाना है मुझे, तो पिवट टेबल मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से बनाऊँ, या पिवट टेबल जैसा कोई एक टूल्स बनाना चाहता हूँ जो डेटा सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली डेटा को समझ के और उसके हिसाब से टोटल कर देता है, या फिर मुझे रिमूव डुप्लीकेट का, मुझे इसी तरह के कई सारे फॉर्मूले, जैसे कि वी लुकअप जब लगाते हैं तो वी लुकअप में क्या होता है कि पूरी की पूरी डेटा को लुकअप नहीं करता, सिर्फ पहली बार टोटल करता है, डुप्लीकेट हो तो नहीं करेगा, कई सारे शीट से नहीं करेगा। ऐसे केसेस में हमारा पब्लिक माइक्रो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि मल्टीपल शीट से डेटा को लुकअप करना वी लुकअप की तरह, अब मुझे उस फॉर्मूला को लगाने के लिए पहले उस फाइल को ओपन करना होगा जिस फाइल में इस माइक्रो को मैंने लिखा है, इस फंक्शन को मैंने क्रिएट किया है। इसे प्रॉब्लम होगी ना सर? तो इसकी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास होता है पर्सनल माइक्रो, पर्सनल माइक्रोज। प्रोसेसर माइक्रोज क्या करता है, बिल्कुल माइक्रोज की तरह होता है, बट ये अपनी कोडिंग को किसी फाइल में नहीं एक्सेल की लाइब्रेरी में सेव करता है, एप्लीकेशन की लाइब्रेरी में सेव करता है, और एक तरह से एक फीचर हो जाता है एक्सेल का। जब भी हम माइक्रो ओपन करेंगे तो ये माइक्रो हमेशा रहेगा क्योंकि ये किसी फाइल का पार्ट नहीं है। लेकिन इसको कैसे करेंगे, तो रिकॉर्डिंग करते समय स्टोर इन माइक्रो की जगह पे हम पर्सनल माइक्रो सेलेक्ट कर लेते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि रिकॉर्डिंग करते समय आता है और पर्सनल माइक्रो को डिलीट विलीट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसे पर्सनल माइक्रो का काम हम एड इंस के जरिए करते हैं, एड इंस, सॉरी एड आई एन छूट गया, एड इंस के जरिए, मतलब हम माइक्रो पहले एक फाइल में बना लेते हैं, उस फाइल को हम सेव एज कर देते हैं, किसमें, एडिंस। तो क्या होता है एडिंस में, जब सेव होता है यहाँ पे एडिंस होगा एक्सेल एडिंस, तो एडिंस में जब सेव हो जाता है तो क्या करता है एडिंस, सिर्फ कोडिंग को सेव करता है, डेटा को सेव नहीं करता है, और कोडिंग वाली फाइल एक लोकेशन में स्टोर हो जाती है, फिर हम एक्सेल ऑप्शन पे जाते हैं और एडिंस में जाके उस एडिंस वाले फाइल को हम लोड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सोलवर लोड रखा है, कुछ प्री डिफाइन एडिंस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया है और ब्राउज करके वो एडिंस को हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब कैसे ऐड करेंगे, हम आगे क्लास में सिखाएं, तुम्हें बताया कि पर्सनल माइक्रो से बेटर एडिंस। लेकिन सर मैंने पर्सनल बोलिए सर डिलीट नहीं हो रहा था, यही प्रॉब्लम आ रही थी, पर्सनल माइक्रो बनाया था बट वो डिलीट नहीं हो रहा था बाद में। हाँ दिक्कत है, कैसे डिलीट होगा हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है? इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं किया, एडिंग सजेस्ट किया। दूसरा क्या होता है सर, ये रिपीट करेंगे ये सर, एडिंग्स का अभी जो आपने खोला था सर, एडिंग्स में हम कोड को सेव एज कर लेते हैं, एडिंग्स में हम एक्सेल पे कोडिंग बीवीएम कोडिंग करते हैं उसको सेव एज करते हैं एडिंग्स, फिर एक्सेल ऑप्शन में जाके एडिंग्स वाले सेक्शन में वापस उसको एड कर लेते हैं। इसके बारे में डिटेल्स हम आगे बताएं, फिलहाल समझिए कि प्रोसेसर माइक्रो की जगह पे हमें एडिंग्स यूज करना है, या एक्सेल का कुछ ऐसा माइक्रो के जरिए एक एक्सेल का फीचर बनाना है तो एडिंस बनाए, या कोई डेवलपर मित्र है आपके अगर आपको कुछ बना के भेजेंगे तो वो एडिंस में ही भेजेंगे। सर वो फिर मैक्रो एनेबल्ड और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा?
फाइल एक्सटेंशन में सर डॉट एक्सएलएस ए होगा, एडिस होगा, वो डेटा स्टोर नहीं करता, सिर्फ ये स्टोर करता है, कोडिंग स्टोर करता है। अच्छा अच्छा माइक्रो एनेबल तो डेटा भी किया ना, डेटा और माइक्रो दोनों सेव करता है, ये एडिंस होगा, सिर्फ कोडिंग सेव करेगा, ठीक है। अच्छा क्लियर है। हाँ तो पर्सनल माइक्रो में प्रॉब्लम ये होती, पर्सनल माइक्रो में एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने कोई कोड बना कोई फॉर्मूला आपने अपने सिस्टम में लगा लिया, लेकिन जब किसी को भेजोगे तो उसके सिस्टम में इस फॉर्मूला के साथ इसका कोड नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वो फॉर्मूला वहां चलेगा नहीं। जैसे कि आपने एक इनवाइस बनाया, उसमें आपने अमाउंट इन वर्ड्स लिख दिया, लेकिन जैसे ही आपने उनको भेजा, उनके पास अमाउंट वर्ड के जगह पे क्या आ गया, नेम आ गया, समझे सर। इसलिए एडिंस बेटर होता है कि हम एडिंस उसको भेज सकते हैं। दूसरी चीज है कि एक ही पीसी पे वर्क करेगा, एक ही लॉगिंग पे, अगर लॉगिंग चेंज करेंगे तो आपका माइक्रो एनेबल वर्क नहीं करेगा, बट एडिंस कहीं भी आप उसको ऐड कर सकते हो। एडिंस के बाद तीसरा आता है इवेंट माइक्रो। अब जैसे देखिए एडिंस हो गया या आपका पब्लिक माइक्रोज हो गया, इस सबों को रन करना, ठीक है। रन कैसे करते हैं, हम माइक्रोज में आकर रन करते हैं, शॉर्टकट के थ्रू रन करते हैं, बटन में क्लिक करके रन करते हैं, इसी तरीके से रन करते हैं जी। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है कि मुझे पता ही ना हो कि मेरा माइक्रो कब रन, मेरे पास एक कंडीशंस हो भाई ऐसा हो तो माइक्रो रन हो जाए। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जैसे मेरा फाइल खुले, खुलते ही जो है एक पासवर्ड मार, एक यूजर आईडी पासवर्ड मार, और जो यूजर आईडी पासवर्ड डालू उसी के सीट पे चले जाए। जैसे मैंने इसको बनाया था कि मैंने क्या किया था कि शुरुआत में जब एक्सेल शुरू किया था तो मुझे सबों की रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ती थी। अब उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं, और बाकी जो चीजें थी उसके मदद से हम बड़ी फाइलें नहीं भेज सकते। अब रिकॉर्डिंग जो बनती थी वो 50 MB, 40 MB, 50 MB की रिकॉर्डिंग बनती थी। तो एक यूट्यूब मेरे लिए साधन बना कि हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके और उस वीडियो लिंक हम को भेजते थे। अब प्रॉब्लम होती थी कि सर बोलते, वो बच्चे बोलते थे सर मुझे इकट्ठे सिक्वेंस में मेरा रिकॉर्डिंग मिलेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि डेली बेसिस से मेल पे भेजता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने क्या किया था कि बैच वाइज फाइल बनाई, ठीक है, और बैच में सारे के सारे मोबाइल नंबर हमने डाले, तो और फाइल सबको भेज देता था, सबको भेज दिया था। उस फाइल को मैंने क्लाउड पे ड्रॉप बॉक्स में रखा हुआ था, मैं उसे जाके अपडेट कर देता था। तो क्या होता था, जैसे हम फाइल ओपन करते थे, ओपन करते ही क्या होता था कि आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगता था, जैसे मोबाइल नंबर डाले तो वो आप ही के बैच वाले सीट पे लेके जाता था, बाकी सारे सीट को हाइड कर देता था। इसे क्या होता था कि आप बाकियों के जो वीडियोस थे वो एक्सेस नहीं कर सकते थे, अपने वीडियोज ही एक्सेस कर सकते थे सारा सीक्वेंस में डे बाय। तो ये चीजें हमने कब की, हमने इवेंट माइक्रो के थ्रू, क्योंकि हमारे माइक्रो कब रन हो, जब फाइल ओपन हो। जैसे मैं चाहूं कि मैं कहीं पे क्लिक करूं और क्लिक करते मेरा फाइल रन हो जाए, मैं कहीं पे डबल क्लिक करूं तो डबल क्लिक करते ही मेरा माइक्रो रन हो जाए। तो माइक्रो के जो टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं, पब्लिक माइक्रोस, पर्सनल माइक्रोस एंड इवेंट माइक्रोस। तीनों कब कब यूज होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन से, समझ में आ गया, और कब कौन सा माइक्रो यूज करोगे वो भी समझ में आ गया आप लोगों को। जनरली हम पब्लिक माइक्रो यूज करेंगे, लेकिन जब ग्लोबल माइक्रो यूज हो, जो मैं बहुत सारे फाइलों पे यूज करूं, उस केस में हम पर्सनल या एडिंस का इस्तेमाल करेंगे, और इवेंट माइक्रो हम यूज करेंगे जब हमें पता ना हो कि मेरा माइक्रो कब रन करना, वो एक इवेंट पे हो, कहीं पे डबल क्लिक हो, कहीं पे राइट क्लिक हो, मेरा फाइल ओपन हो, मैं रिफ्रेश करूं फाइल को, मैं कहीं पे चेंज करूं, ऐसे केसेस में मेरा कोडिंग ऑटोमेटिकली बैकएंड में रन हो जाना चाहिए। जैसे हुआ ना कि आपने एक दरवाजे की चाबी बनाई, आप जब कब खोलोगे, जब चाबी लगा के खोलोगे तो ताला खुल जाएगा, लेकिन आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा, बोला कि मैं जब आऊं मेरा फेस को देखो दरवाजे को खोल दो, ये हो गया आपका इवेंट मार्क, कि आपका दरवाजा खुलने वाला जो प्रोसेस है कब लागू होगा, जब आप दरवाजे के सामने जाएंगे
तो खुल जाएगा, नहीं तो बंद नहीं खुलेगा। समझ गए? एक हुआ कि दरवाजा खोलना आपके ऊपर डिपेंड करता है, की डालिए की अनलॉक कीजिए और दरवाजा को खोल लीजिए। ये आपका कहला गया पब्लिक माइक्रो, कि आपको जब मर्जी तब जाइए बटन पे या फिर शॉर्टकट या रन पे क्लिक करके माइक्रोस को रन कर लिए। और दूसरा हुआ इवेंट, कि आप जैसे कि कहीं पे कुछ करें और करते ही माइक्रो ऑटोमेटिकली, क्लियर है?